जय गुरु जी एवरी वन एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और वीर आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज फिर से आ, आप निमित बनी है मेरा सत्संग शेयर करवाने के लिए सबको uh, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गुरु जी का सत्संग करना गुरुजी का सत्संग सुनना दोनों ही बहुत ही आ, किस्मत वालों के आ, भाग्य में होता है मेरा नाम मीरा जोहर है और गुरुजी मुझे जोहर आंटी प्यार से बोलते थे जल्ली आंटी भी बोलते थे मुझे एक बारी <laughs> और आ, हम बहुत सालों से निकट में रहते थे बट इन बिटवीन तो उस टाइम में काफ़ी सालों से हम न्यूयॉर्क में रहते थे बट तो इन बिटवीन पांच छह सालों के लिए हम आ, आ, इंडिया शिफ्ट हो गए एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ और इश्यूज और 2006 में मैंने अपने हस्बैंड को अपने अंकल को बोला कि लोगों के कुल गुरु होते हैं सम टू गाइड हमारा तो कोई भी नहीं है मटेरियलिज्म वाइज सब कुछ है बट मेरी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी एवरी um, I was uh, undergoing uh, high blood pressure and very high sugar and high triglycerides. मेरे triglycerides 800 पहुंच गए थे और डॉक्टर्स ने बहुत जोर लगा लिया exercises, gyming, um, walking, uh, medicines, food habits सब कुछ change करा लिया but वो 500 से नीचे आते ही नहीं थे और uh, हमेशा fear रहता था heart failure का And I was very young that time. तो एक पीसफुल जगह हो लेकिन शायद गुरुजी ने वो चीज मेरी सुन ली जो मैंने अपने अंकल को कही थी और हमें बुलावा आ गया एक आंटी के थ्रू की हमारे कोई गुरु जी हैं वहाँ चले तो मैंने टोटली मना कर दिया मैंने कहा हम कोई बाबा गुरु जी कुछ नहीं मानते मैं तो वैसे ही बहुत ही स्टॉन्च आर्य समाज फैमिली की हूँ तो मूर्ति पूजा भी नहीं इतनी ज्यादा देखी थी बट उन लोगों ने बहुत बहुत फोर्स करा भाटिया आंटी ने हमें और हमें जाना पड़ा और दे हैड नो क्लू कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ एलमेंट्स और जब मैं वहां गई तो मैं बहुत ही सिंपल वे में गई और uh, मैंने कोशिश करी कि बस आज के बाद कभी नहीं जाना जो कि so कि पहली बात है मैं नहीं गई गुरु जी ने मुझे बुलाया और दूसरी बात है आज के बाद क्या आप तो मैं कहती कि कभी भी नहीं जाना तो मेरे को लगता है गुरु जी शायद कहते होंगे कि पहले आंदी नहीं सी हूं जान देनी है सो द फर्स्ट डे आई एक एक रूहानी ताकत जैसे मुझे महसूस हुई उस जगह पर लेकिन क्रिटिकल माइंड क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं हम कोशिश करी कि मैं गुरुजी की आंख से आंख भी ना मिलाऊं क्योंकि मेरे को फियर था कि कहीं यहाँ पर कोई आ, कोई कुछ खाने में मिला के ना दे दे कोई हिप्नोटाइज़ ना कर दे जिस तरह की हम उल्टी सीधी बातें सुनते हैं और लंगर भी मैंने बहुत ही अन मैंने मन से खाया क्योंकि मेरे लिए वो लंगर वो दिव्य प्रसाद नहीं था उस दिन उस दिन मेरे को था कि बस काम खत्म करो और घर चलो वो एक खाना था मेरे लिए जो कि मैं, I was totally wrong. और हमें ये बोला गया था कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते लेकिन जब हम आज्ञा लेने के लिए गए तो आई सॉ माई अंकल सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑन द राइट साइड ऑफ गुरु जी गुरु जी आसन पे विराजमान थे और आ, मेरे अंकल से वो कुछ प्रॉपर्टी की गुड़गांव की बातें करने रहे थे और कुछ कुछ मैंने कहा वाह पहले तो बोलते सी, बाबा जी बोलते नहीं है थे तो प्रॉपर्टी की गल हो रही है तो मैं और पैरानोइड हो गई मेरा तो बिल्कुल शक यकीन में बदल गया कि भागो यहाँ से बट आज मैं कहती हूँ कि कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जित तुमरे द्वारे आया बिकॉज वो दिन अगर गुरुजी ने नहीं बुलाया होता तो मेरी जन्मों की कर्मों की फाइल नहीं खुलती और मेरे को गुरुजी इतना ब्लेस ना करते दो तीन हफ्ते हम नहीं गए फिर मेरे को वो आंटी मिल गई है एक जगह पे एंड शी इंसिस्टेड यू मस्ट गो एंड दैट वाज द डे आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी और मुझे एक आ, मेरे अंकल और मुझे हर बार एक एक जैसे की एक रूहानी ताकत खींच के ले जाती थी आ, वहां पर ऑटोमेटिकली जैसे घर में खुशबू आ जाती थी गुरुजी की हमारे ऑफिस में कुछ ना कुछ हो जाता था कि आ, आफ्टर 6 सिक्स, 630 सिक्स Uh, हमारे क्लाइंट्स आने कैंसिलेशन हो जाती थी कि हम खुद ही अपने आप गुरु जी के छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में पहुंच जाते थे और वहां पर वही प्रोटोकॉल होती थी गुरु जी के सामने हम बैठते थे मीठे मीठे शब्द सुनना फिर लंगर खाना आज्ञा लेनी और आ जाना लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि गुरु जी मुझे आज्ञा कम देते थे मेरे अंकल को और मुझको कई बार रात को दो दो तीन तीन बजे तक बिठाते थे और हमें एक, एक एक्स्ट्रा लंगर की थाली मिलती थी कभी उसमें एक्स्ट्रा पकौड़े होते थे कई बार उसमें मिर्ची वाला अचार होता था कई बार एकदम घी से सना हुआ हलवा होता था एंड यूजली उसमें वो चीजें होती थी जो जो चीजें मुझे मना थी बिकॉज ट्राइगलीज के लिए शुगर घी ये सब मना होता है लेकिन गुरु जी मुझे वो एक्स्ट्रा चीजें खिला खिला के मुझे ब्लेस कर रहे थे ये बात मुझे आस्ते आस्ते समझ आने लग गई और पहले दिन जब मैंने लंगर खाया था तो मेरा पेट बहुत दर्द हुआ था इट वॉज लाइक रिवोल्टिंग जैसे माई स्टमक रिवोल्टेड बट जैसे-जैसे आगे मैं लंगर खाने लगी वो मेरी क्लेन्जिंग कर रहे थे गुरुजी और मेरे मेरे शरीर में ताकत आने लग गई तकरीबन मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर आने के बाद मेरे नंबर्स बेटर हो जाएंगे मेरी शुगर बेटर हो जाएगी बट जिसे खिंचाव था जो कि इट वाज पुलिंग मी टुवर्ड्स देयर वाज अ मैग्नेटिज्म टुवर्ड्स आवर गुरुजी और हम हर थर्सडे के था हमने खुद ही बांध लिया था थर्सडे का डे क्योंकि हमें पुरानी संगत ने बताया था कि गुरुजी जो बार बार आओ ना तो मना कर दे, दे। महीने बाद आना वी डेंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी सो वी वर ट्राइंग टू बी वेरी हम्बल कि हम अपने आप ही एक दिन चूज कर लेते हैं डिसिप्लिन इट्स लाइक ऑनेस्टी टू योर यू नो तो वी स्टार्टेड गोइंग एवरी थर्सडे और uh, जब ढाई महीने के बाद मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो यू वोंट बिलीव इट इज अगेन साइंस साइंटिफिक यू नो नोशन कि फर्स्टली मेरा ब्लड आता नहीं था मेरे को टेक्नीशियंस इंडिया में बिठा देते थे मेरी शक्ल के कि भाई अब इसके ऊपर तो बड़ी मेहनत लगेगी ब्लड वेन से निकलेगा नहीं बिकॉज माई ब्लड वॉज सो थिक बिकॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स उस दिन माई ब्लड स्पॉटेड आउट लाइक मिल्क और उसमें एक तरह का झाग था जैसे में में झाग होता है ट्यूब सो एंड एंड तब भी मेरा दिमाग में ये नहीं आया कि ये के लंगर की पावर होगी कहा वाह ये कैसे हो गया तो टेक्नीशियन भी मेरी शक्ल देखे कि ये वही वाली लेडी है जिसके ब्लड में प्रॉब्लम है बट एनीवे दो दिन बाद रिजल्ट आया एंड माय ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 500 पर बिल्कुल अटक गए थे दे जस्ट जिसको बोलते हैं ना दे दे डाउन और हम लोगों की कम्युनिकेशन बहुत पुअर होती थी पहली बात है सेल फोन ही नहीं होते थे आ, दूसरी बात है गुरु जी फिजिकली होते थे थोड़ा फियर होता था और सत्संग नहीं होते थे हमारे गुड़गांव में तो हार्डली बीस पच्चीस लोगों का सत्संग था तो इंटरेक्शन ही नहीं था लेकिन मुझे कहना चाहिए इंटरेक्शन नहीं था बट वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कनेक्शन तो आई स्टार्ट रिलेटेड रिलेटिंग एवरीथिंग टू गुरु जी एंड मेरे को एक ब्लिस अपने आसपास नजर आने लग गया एक मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई uh, मैं इतनी फेयरफुल नहीं रही मेरे को एक प्रोटेक्शन लगने एक पहले त्रिशंकु जैसी एक फीलिंग होती थी कि हम लटके हुए पता नहीं कब मर जाएंगे या बिटवीन हेवन एंड अर्थ है एक वो जो फीलिंग थी उसकी बजाय एक प्रोटेक्शन फीलिंग आने लगे कि है साडा कोई अस किसी ना नाल कर सकते हैं साडा कोई वली वारिस है इंसानों से कम रूहानी दुनिया से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आने लग गया आज भी मैं बहुत कम बात करती हूँ दीजा आंटी को पता है शी कॉन्टेक्टेड मी यू नो कुछ ना कुछ फैमिली में घर में होता रहता है कि आई एम ऑलवेज ऑक्यूपाइड लेकिन जो गुरु जी के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी कर देता है बिकॉज इट्स ऑनेस्टी टू योर सेल्फ एंड टू योर गुरु ये गुरु जी ने इस रस्ते पे 2006 से मुझे सिखा दिया वैसे भी पहले भी मैं वो बहुत ज्यादा कूदने वाले लोगों में से नहीं थी लेकिन वो ठहराव कुछ ज़्यादा आ गया के के मिलने के बाद विश्वास बढ़ने लग गया और ये ये तो यकीन हो गया कि ये जो मेरी अः ट्राइड है ये गुरु जी ने ही वो एक्स्ट्रा हलवा घी वाला खिला खिला के मुझे ठीक करा है आ, और मैंने भी वहां देखा एक आंटी जिनको की अल्सर्स uh, की प्रॉब्लम थी उनको गुरुजी पूरा बड़ा वाला बोल भर के एक दिन मिर्ची खिला रहे थे जबकि जो साइंस uh, से रिलेटेड फील्ड्स uh, में है और वैसे भी इन जनरल सबको पता है कि जिनको अल्सर्स होते हैं वो मिर्ची नहीं खा सकते एंड दैट आंटी और उसके बाद पता चला जी कि उनके तो अल्सर्स ही ठीक हो गए सो दैट वॉज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग

और हम सामने वाला जो एम्पायर स्टेट के सामने जो प्लॉट है हम वहां पर हाथ धोते थे और वहां पर हाथ धोकर मैं आई लाइन में आ गया के खड़े होने लग गए तो मैं आई जस्ट विस्पर्ड इन टू माई इयर्स एंड आई सेड लंगर खाने फ्री का आ जाते हैं यहाँ पर पता नहीं हम गुरुजी की लिस्ट में है भी या नहीं और पता नहीं वो हमको प्यार भी करते हैं या नहीं तो इंसान है डोलते हैं हम और उस दिन जब मैं अंदर गई तो गुरुजी उन दिनों में कुछ कुछ संगत को कोई जैसे किसी की बच्चे की शादी है या कुछ अच्छा है कुछ तो संगत दे देती थी इनवाइट्स तो गुरु अपने हिसाब से कभी सबको बांटते थे कभी दस लोगों को बांटते थे तो उन्होंने मेरे सामने बड़ी स्ट्रांगली एक कार्ड रखा और uh, मुझे बोलते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में बॉटम लाइन इज ये बात इसलिए आई थी क्योंकि मुझे गुरु जी मिसिज मीरा जोहर बोलते थे मीरा आंटी या जौहर आंटी नहीं बोलते थे उस दिन तक लाइक like, तीन चार महीने हो गए थे हमें और मुझे लगता था ठीक है मैं बड़ी यंग हूँ लेकिन अगर सब आंटियां हैं तो क्या मैं गुरुजी के स्कूल में एडमिशन नहीं हुई क्या मेरी वाई गुरुजी नॉट कॉल मी आंटी आई वाज क्रेविंग फॉर

लव uh, लेटर मेरी सो so, पहली बात कि मुझे उन्होंने मिसेस मीरा जौहर से जौहर आंटी प्रमोट कर दिया एंड लव लेटर उन्होंने इसलिए बोला कि मैं तनु प्यार कर दा क्या वर्ण अच्छा? शराब सोचती रहती है यू नो सो इट वॉज अ बिग डे फॉर मी एंड वहां जो अंकल आंटी खड़े थे कहते कमाल हो गई तो आए हाली टाइम ही नहीं होया तो, तो लव लेटर भी मिल गई एंड उस दिन भी शायद हम इतने ही खुश थे जितना कि जैसे एक स्कूल के बच्चे की एडमिशन हो जाती है तो वो खुश हो जाता है सो वी वे सो सो हैप्पी कि गुरुजी ने अपने मुंह से आ, हमें एक इंडिकेशन दे दी कि हाँ हम उनके उनकी चरणों में हैं वो हमारा ध्यान रख रहे हैं पल पल क्षण क्षण और फिर एक दिन एक आंटी को मैं गई नहीं थी किसी वजह से तो एक आंटी को बोलते हैं ओ झल्ली आंटी नहीं आई झल्ली है बिल्कुल झल्ली है जो हर आंटी ओनू कुछ नहीं पता ओ दिन की होना सीगा ओनू जाके दस दो तो, मैं ओनू जीवन दान दिता है ते मैं चारा नीवन दान दिता है And that is the fact. Because अगर गुरु जी ने मुझे ब्लेस नहीं करा होता मेरे बिन बोले इसीलिए बोलते हैं ना कि मांगो नहीं मनो मैंने मानना शुरू कर दिया था गुरु जी से मंगया आज तक नहीं है तो गुरु जी ने देखा कि ये झल्ली है ये मांगती नहीं है एक किसी ने फर्स्ट टाइम मुझे बोल दिया तो मैंने मान ली वो बात बिकॉज मैं बड़ी ट्रुथफुली इस रस्ते पे चलना चाहती थी एंड uh, खरी उतरी शायद मैं उस रस्ते पे जो गुरुजी ने भीख में मुझे जीवन दान दे दिया क्योंकि मेडिकल साइंस के पास आज भी आंसर नहीं है कि मैंने कैसे ये जिंदगी के इतने साल निकाल लिए आई हैड रोलर कोस्टर हेल्थ वाइज और मैं अपना वीडियो फॉरवर्ड करूंगी आप देखेंगे तो बोलेंगे मुझे कोई बीमारी लगती नहीं है ये गुरु जी का रूप है सर्जरी हुई सब कुछ हुआ डॉक्टर सेड तेरी कीमो होगी ये लास्ट ईयर की बात है यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में बट आई वाज नॉट गिवन कीमो यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं छोड़ते हैं आपको पता है बस गुरुजी ने पल पल ब्लेस करा मुझे आ, हमेशा ही पहले इंडिकेशन दे देते हैं कि ये होने वाला है ये नहीं होएगा ये होना सीगा नहीं होएगा इसी तरह बस जिंदगी चलती रही और एक रात गुरुजी ने मेरे को अगेन आ, हमें मैसेज आया कहीं से कि गुड़गांव की संगत विद जो नवी संगत आई है घर सत्संग होएगा तब 2007 हो गया था और हम ही थे वही वो संगत जिनके घर सत्संग नहीं हुआ हुआ था तो हमने और उन दिन में पच्चीस तीस लोग आते थे मुझे किसी ने बोला नहीं नहीं मीरा तू तो पचास साठ का अरेन्जमेंट कर दियो क्योंकि थोड़ी सी संगत भी बढ़ गई है और तेरे घर फर्स्ट है तो एवरीबडी विल कम टू एनकरेज यू और गुरु जी तेरे से बातें भी बहुत करते हैं तो लाइक यू नो थोड़ी सी आंखों में सबकी आई हुई है सो पीपल वॉन्ट टू कम मैंने कहा जरूर जी मेरे हसबेंड कहते हैं सत्तर का क्या अरेंजमेंट करना है सीधा सौ का करेंगे मैंने कहा सौ का कर दीजिए तो जो जैसे बोलता या करते गए भोले भाव और जब सत्संग स्टार्ट होने वाला था तो लाइक फोर्टी मिनट्स बिफोर दैट तीन चार संगत फैमिली जल्दी आ गई जस्ट टू हेल्पअस यहाँ भी ऐसे ही होता है तो उनके सामने गुरु जी का उन दिनों में ना कुछ भी नहीं होता था पिक्चर्स भी नहीं होती थी और मुझे किसी से फोटो नहीं मिली जिसको बोलू लिटरली आई सब कहते हैं हमारे पास फोटो ही नहीं है गुरु जी की गुरु जी लाइव बैठे हुए हैं तो फोटो क्या करनी है फिर 2007 का अगर आप कैलेंडर देखें तो उसमें व्हाइट चोले में गुरु जी हैं उस पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा है तो हमने उसका छोटा सा कैलेंडर था हमने उसका ब्लोअप कर लिया एंड एक और मेरे पास छोटा सा बैज था उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया लाइक आप समझिए एट टेन तक कर लिया दैट वाज और संगत देख के हैरान हो गई अरे वाह इतनी बड़ी फोटो है क्योंकि सबके पास तो छोटी छोटी फोटोएं होती थी पेंडेंट साइज की तो वो जो ट्वेंटी फोर्टी मिनट्स पहले संगत आई उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बुलाया इशारा करके की आंटी आपके घर में देखो क्या चमत्कार हो रहा है गुरु जी के आप इमेजिन करिए पिक्चर है पिक्चर के ऊपर ग्लास का फ्रेम लगा हुआ है और ग्लास के फ्रेम के थ्रू मथे पे त्रिशूल बना इट ट्विंकल्ड लाइक अ लाइट फॉर फ्यू सेकेंड्स और जो गुरु जी की छोटी पिक्चर थी जो मैंने बैच से बड़ी करी थी उसमें शिवलिंग uh, बना एज इफ चौक पाउडर से किसी ने एक वर्टिकल एक हॉरिजोंटल लाइन की और शिवलिंग बन जाता है सिंपल एज दैट एंड दे बोथ ट्विंकल्ड एंड ट्विंकल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड uh, सब रोने लग गए वो देख के जिस जिसने वो नजारा देखा क्योंकि आप ये समझिए कि गुरु जी भगवान शिव का रूप हम मानते हैं उन्होंने शिव जी का रूप हमारे घर में दिखाया बहुत खुश हुई संगते आ आके बाहर से मत्था टेक के गई और uh, अच्छा भी लगा लेकिन uh, वो साइंटिफिक माइंड साइबर माइंड हमारा बीच में आ जाता है अगेन वी थॉट हाउ इज इट पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल कि फ्रेम के अंदर से आ रहे हैं आज तो हम अमृत देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं लेकिन उस टाइम बड़ा अजीब लगता था तो हम गुरु जी को वैसे ही शुक्राना करने गए और गुरु जी बड़े मंदिर में बाई चांस उस दिन आए हुए थे वैसे उस टाइम आते नहीं थे वो चौदह मई की बात है व्हाइट कलर के सफारी सूट पे बैठे हुए थे व्हाइट चेयर पे जो प्लास्टिक की चेयर होती है एंड सत्तर अस्सी संगत बैठी होगी उसमें से मेरे अंकल और मुझे और तीन चार अंकल आंटियों को जैथ्रा अंकल आंटी रोमा कपूर और अ, 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 अहुजा आंटी वगैरह थे हम आप समझिए चार कपल्स होंगे हमें बुलाया और अंकल आंटियों को कहते हैं ए जोहर अंकल ते जोहर आंटी है तेनाने पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता सिगा संगत ते सो, सो लोग आए तो मेरे अंकल ने फट बीच में बोल दिया गुरु जी एक सौ सी लोग आए तो गुरु जी कहते नहीं नहीं जोर अंकल अंक डेढ़ सौ लोग आए थे घर मेरे अंकल ने फट फिर बोल दिया आदत से मजबूर नहीं गुरु जी एक सौ आए थे तो आई ट्विस्टेड माई हजब ऐसे चुप करो गुरु जी से तुम मतलब क्या है वो बोल रहे है, तो मान लो तो बाद में अंकल आंटी ने हमें एक बताया कि ये जो डेढ़ सौ और एक सौ पच्चीस का है ना ये फिगर हमेशा गुरु जी की ज्यादा होती है बड़े मंदिर में गुरु जी बोलते शिवरात्रि वाले दिन कितने लोग आए तो सेवादार बोलते गुरु जी छह हजार तो गुरु जी कहते ना 8000 हजार आए सी तो कहते हम समझ जाते हैं कि गुरु जी ने दो हजार देवी देवता और पॉजिटिव आत्माएं उस दिन एक्स्ट्रा भेजी थी तुम्हारी तुम्हारी जगह पर और कहते हैं यहाँ आपने 125 प्लेटें कैसे लगाई हमने कहा संगत थी उनके ड्राइवर्स थे हमारी मेड से हम तो डिस्पोजेबल्स देखकर ही काउंट करती है बी लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल दैट्स हाउ वी काउंट राइट तो हमारी 125 प्लेटें लगी थी थोड़ी सी दो चार वेस्ट भी होगी कहते हैं, ना अगर गुरुजी जी ने डेढ़ बोला है इसका मतलब आपके घर में 25 देवी देवता आए थे आपको ब्लेस करने ऑनर दैट और ये छोटी छोटी बातें हमने गुरु जी के साथ लर्न करी। सत्संग। सत्संग आजकल भी होते हैं लोग आते हैं सुनते हैं कुछ सुनते हैं कुछ देखने आते हैं कुछ टेस्ट करने आते हैं कुछ अपनी पढ़ाई करने आते हैं इसलिए मैं सत्संग भी बहुत कम करती हूँ क्वाइटली करती हूँ जहां मेरे को लगे कि हाँ किसी को जरूरत है जरूर करती हूँ क्योंकि उस दिन जिस दिन ये 125 और 150 का फर्क पड़ा था उस दिन गुरु जी ने मुझे आदेश दिया दस जोहर आंटी मैं तेरे घर की कितना क्योंकि हम अभी पॉइंट वन परसेंट भ्रमित थे वी वर नॉट श्योर कि दैट रियली really कि त्रिशूल और शिवलिंग हमारे घर तो गुरु जी ने क्लियर कर दिया कि मैंने वो मेरे को फर्स्टली सेकेंडली मैं सत्संग करा दस मिनट बोली अब कितना बोलू मैं भी तो देन ही होर की किता। मैं गुरु जी मेरे ठीक होने हैं और ठीक है तो जो उस टाइम अब इस टाइम मुझे याद भी नहीं है तो वो भी ए भी किया बीस पच्चीस मिनट में बोलती रही कहें हुन सुन तू तब तक चलेंगी जब तक सत्संग करेंगी

अगर गुरु जी ने आदेश दिया तो वो उनके कान में जरूर पहुंचवा देंगे जिसके लिए ये सत्संग है। है, और मेरी बुक ओपन मैं शुक्र करती हूँ गुरु जी का करती गुरु जी का कि ओपन बुक है ये क्लोज हो गई होती 2006 टू थाउजेंड सिक्स में ही तो नहीं मिली तो दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग एक बार गुरु जी ने मेरे को रात को फिर बिठाया और रात को दो ढाई बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे नथिंग इम्पॉर्टेंट जैसे हम आप कभी फोन पे बात करते हैं और आखिर में हम हम चार कपल्स 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 या पांच कपल्स थे सबको हस्बैंड वाइफ को, husband, को couples, couples बिठा दिया और गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि मैं एक एक डब्बा मिठाई का देवांगा तो जैसे ही मेरी बारी आई वाइफ्स को वो दे रहे थे हस्बैंड्स पीछे बैठे थे तो जैसे ही मेरी बारी आई तो जो डब्बा मिठाई का मेरा ऑर्डर में था जो मुझे मिलना चाहिए था उसकी उन्होंने नीचे से निकाल के दिया ना सील्ड मुझे समझ नहीं आया और फिर मुझे कान में बोला कि ए सिर्फ प्रसाद तुसी चारों ने खाना है और किसी ने नहीं खाना शायद उनका मतलब था घर में यू नो फुल टाइमर वर्कर्स हैं हम कई बार यू नो दे ऑलवेज शेयर विद देम या कोई मेहमान आ जाता है आना जाना तो स्पेशली इंडिया में लगा रहता है तो किसी को नहीं देना ये स्पेशल प्रसाद है महाप्रसाद है जो कि क्योंकि घर में अलाउड नहीं था उस टाइम लेके आना लेकिन ये गुरु ने अपने हाथ से दिया नाउ द क्वेश्चन केम कि वाई गुरु जी चेंज द बॉक्स द ऑर्डर ऑफ द बॉक्स एंड आफ्टर यू आई रियलाइज कि गुरु जी वॉज गिविंग मी द इंडिकेशन दैट आई चेंज योर जो तू लिखवा के लिए आई सी जो तेरे लिखवा के लिए आई सी मैं वो चेंज किते। क्योंकि उन्होंने अब मुझे वोवला डब्बा दिया जो उनके हिसाब से मेरे लिए अच्छा था हम तो ये देखते है ना कि सत्संग में बर्फी मिली या गुलाब जामुन मिला या ना ये नहीं है तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी साथ साथ कब शुरू हुई ये मुझे भी नहीं पता आज मुझे कोई चीज हर्ट नहीं करती मुझे कोई दो थप्पड़ भी मार के चले जाए इट हर्ट मी एट ऑल बिकॉज मैं कहती हूँ वो भी गुरु का भक्त और मैं भी गुरु की भक्त अब ये तो गुरु जी डिसाइड करेंगे कि थप्पड़ मारने वाला बड़ा था या थप्पड़ खाने वाला बड़ा था आई आई डोंट गेट इन टू एनी कॉन्ट्रोवर्सी एनी एनी थिंग बिकॉज गुरु जी कहते थे ना कि जे तस्बेंड वाइफ की तरह भी

मनाई नहीं करी ही वॉज अ He is a very practical guru. उन्होंने ये नहीं बोला जी सबको दुनिया छोड़ छाड़ के अपना घर छोड़ के तो तुम गुरुआ के पीछे पै जाओ नो ही नेवर सेट दैट उन्होंने बोला उनकी जो शिक्षा है वो ये है कि आप रूहानी दुनिया में एंटर जब करते हो गुरु जी का नाम लेके आपको सांसारिक काम भी पूरे करने हैं एंड आई यूज टू क्वेश्चन अ लॉट एक दिन मेरे को डांट भी पड़ी गुरु जी से मेरे दिमाग में हमेशा रे रहता था कि गुरु जी अस अमेरिका जाइए वापस या नहीं जाइए वेरी गुड बिजनेस देयर और सब कुछ बंद करके आना भी अकलमंदी नहीं होती है जो लक्ष्मी आ रही है आपके घर में फिर यहाँ पर आके इस्टेब्लिश करना बट बच्चों के फ्यूचर की वजह से सोचते थे सो so, अः एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरु से पूछी मतलब गुरु जी एक प्रश्न पूछना है ओ, जो डांट पड़ी मुझे कहने बह जाओ प्रश्न पूछना है लेफ्ट साइड पे मुझे बिठा दिया फॉर अबाउट हाफ एन मैं सबको देखती रही आंखें ऐसे करके कि अब अब शायद गुरु जी मुझे बुलाए सारी दुनिया को आज्ञा दे दी मुझे आग, मैंने कहा आज तो मैं आज तो पिट गई आज तो बहुत पिट गई डांट पड़ने वाली है मुझे गुरु जी से फिर मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं ऐसे एक उंगली से इशारा आपने जैसे देखा होगा कई तो पिक्चर्स में प्रश्न नहीं पूछ दे मतलब अपने गुरु को आपको जो भी इष्ट देवता है उनको इतना नीचे मतलब इंसानी लेवल पे ना लाओ वो बहुत ऊपर है उच्च कोटी पर है उनका जो चक्रज है हम उधर हम सिर उठा के भी नहीं देख सकते वो जिस चक्र में बैठे हैं हमारी हिम्मत ही नहीं हमारे में वो और कई लोग कहते हैं हम गुरु जी के धूल में भी पड़े रहे ना तो, तो भी हम हम बहुत किस्मत वाले हैं हम उधर तक नहीं पहुंच सकते मुझे ड्रीम में एक दिन आके उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट सी रिंग दी आप इमेजिन करिए वर्टिकल वर्टिकल थ्री पर्ल ऑन गोल्ड पेटल्स ऐसी रिंग मैं ढूंढती रही आठ महीने जूलर के पास कहते डिजाइन दे रहे हो ये तो डिजाइन बन ही नहीं सकता वर्टिकल कौन सी रिंग होती है दे रियलाइज की गुरु जी का कहना था मेटीरियल चीजों के पीछे भागना बंद कर दे मैं तेन तीन मोती दिते तू ऊना ध्यान रख माई हजबेंड एंड माई टू किड्स दिस इज हाउ ही को तो बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि एक एक करके अपने आप चीजें होती गई एंड देन वी केम बैक टू न्यूयॉर्क इन टू थाउजेंड और गुरुजी ने मेरे को 2010 में सपने में दर्शन दिए कि सत्संग शुरू करना है एंड uh, मैंने uh, सपने में बोला गुरुजी मैं सत्संग करना है मेरे जैसा बंदा जिसको कुछ नहीं आता सत्संग मतलब मैं इतनी अपने आप को कोई वो नहीं समझती हूँ कि मैं ये इतना भारी बड़ा काम कर सकती हूँ यू नो यू नीड टू हैव दैट एक क्षमता होनी चाहिए कैपेसिटी होनी चाहिए अः एक ठहराव होना चाहिए <laughs> तो गुरु जी कहते करना है संगत तो मेरी है मैं भेजनी है तू कोने कोने तक चद्दर पा दो फूल दो दिए ला दो फूल और दो दिए का मतलब था सिंपल और वाकई में मेरे पास एक चोला एक एक कहते ना ब्रोकेड का कपड़ा एक सिल्क का कपड़ा नहीं था आसन बिछाने के लिए बिकॉज आई हैड जस्ट मूव्ड टू अमेरिका

मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैंने एक दो महीने के बाद एक दो लोगों से इंडिया से बात कर कह रहे गुरु का हुक्म तो तू मेरा टाल ही नहीं सकती है तेरे को स्टार्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पर एक दो जगह पर न्यूयॉर्क में होता था सत्संग न्यू पेंसिल्वेनिया पेंसिलवेनिया वर्जीनिया ईस्ट कोस्ट कहीं नहीं होता था और गुरु ने मुझे ये भी बोला सारे अमरीका न दस दौहर आंटी आ गई है संगत करण तो अब मेरे पास नंबर नहीं खैर किसी से कांटेक्ट किया कोई जो आठ दस संगते ऑल ओवर अमेरिका थी सब स्कैटर्ड कोई कहा कोई कहा पहले तो इंट्रोडक्शन देने में शर्म आ रही थी कि ये कल की आई नहीं है और हमारे सामने सत्संग करेगी यू नो दिस इज हाउ पीपल थिंक लेकिन मैं गुरु का पालन कर रही थी कोई अहम नहीं कोई वहम नहीं कोई आ, कुछ नहीं जो गुरु जी ने बोला आ, मैं करना चाहती थी मैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहती थी मेरे पास कोई जूती नहीं थी कोई चोला नहीं था कोई चेयर नहीं थी कोई झूला नहीं था एक फूलदान नहीं था उस टाइम क्योंकि मेरे घर के अपनी कुर्सियां नहीं मैंने अभी तक खरीदी थी और हमने गुरुजी का सत्संग स्टार्ट कर दिया अब छोटी छोटी चीज गुरु जी कहते ना मटीरियलिज्म पदार्थ अपे आन उस टाइम बहुत स्नो थी मार्च का महीना था एंड uh, मेरे अंकल थोड़ा सा पीछे गए बैकयार्ड में वहां पर एक बड़ा सुंदर सा वन एंड सीटर झूला मिल गया उनको तो हमने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा कि हम इसको बेसमेंट में ले जाए हमारे गुरु का ऐसे सत्संग होना है सो ही मे बी दीपल जैपनीज पीपल हु वो पांच साल पहले लेके रह के, के गए थे तो मैंने उनके बेटे कहते हैं नो दे स्विंग गुरुजी ने अपना झूला मां बिठाया हुआ था वो फर्स्ट क्लास पेंट वेंट करके हम उसको नीचे लेके गए किसी तरह कहीं से कोई कपड़ा वपड़ा अरेंज करके मैंने उस टाइम यहाँ पर इतने इतना था भी नहीं जितना आजकल इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेकिन सत्संग से एग्जैक्टली exactly दो दिन पहले मेरे बेटा आई हैव ट्विन्स एंड दैट टाइम माय ट्विन्स वर लाइक लाइक 12 13 और 13 इयर्स ओल्ड और गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और दिखाया कि Uh, एक आंटी मुझे uh, गुरु जी के uh, जुतियां दे रही है एक पर्टिकुलर कलर विद पर्टिकुलर डिजाइन तो मैं सपने में बोलती हूँ अरे आंटी इतने सारी जुतियां मैं तो एक ही लूंगी मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए गुरु जी ने तो बोल दिया जुतियां दे दो तो, मुझे एक ही चाहिए बाकी आप किसी और को बांट दो तो। क्योंकि वी लर्न टू शेयर विद गुरु जी यू नो वी कै नॉट कीप एनीथिंग टू आवर दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम गुरु जी तो तो नेक्स्ट डे दे मैंने उस आंटी को कॉल करी मैंने कहा कहते क्या बात कर रही है ये तो हमारी फैक्ट्री में इस कलर की इस डिजाइन की जुतियां पड़ी हैं मैंने कहा व्हाट अब मैं आप मैं नहीं मांग रही आपसे आप ये मत समझना कि मैं आपकी जुतियाँ मांग रही हूँ लेकिन अब मैं क्या करूँ कहते गुरु जी को ना ये रिबॉक एडिडास ये सब बड़ा पसंद था तो वो रखते मैंने कहा आंटी आज मैं सौ डॉलर की जुती रख दूंगी कल मेरे से रही आएगा वो पांच सौ की रख देगा और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे घर आना है मैं उनको झूठ बोलू ये गुरु जी की जुतिया गुरु जी ने तो डाली नहीं है आई यू नो जिसको बोलते हैं कि मैं बड़ी स्ट्रिक्टली उनको ये बात बोली फिर मैं क्या को कोई नहीं छोटो पर एन जी ये मेरे को चोला आ गया कुर्सी आ गई है दो फूल दो दिए लाने मैं चदरा पा देनी मैं सत्संग स्टार्ट कर देना है यहाँ पर कौन सा कोई किसी को गुरुजी के बारे में पता है आपको इतनी संगत जुड़े कि मुझे क्या पता तो मैंने तो सोचा था एक दो बार करके खत्म हो जाए हो जाएगी बट गुरु जी ने तो सिलसिला शुरू कर दिया कि इट्स लाइक अ वाइल्ड फायर एंड uh, मेरे अंकल उस सत्संग के बाद फर्स्ट सत्संग के बाद इंडिया गए और हमारी गुड़गांव की संगत को याद था कि मीरा आंटी को ऐसे ऐसे सपना आया उन्होंने अपने आप ही जुतियां अरेंज कर ली और बड़े मंदिर चले गए ब्लेस कराने अब मैं तो अमेरिका में थी मेरे अंकल इंडिया में थे So, जैसे ही ये लोग बड़े मंदिर के हॉल में एंटर करने लग गए तो जाप शुरू हो गया तो ये लोग रुक गए क्योंकि जाप के टाइम हम हिलते नहीं है तो जाप के बाद इन्होंने वो जुतियां जाके आसन के पास रख दी उस टाइम ज्यादा संगत नहीं होती थी इत, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था वहां पर तो एक हमारी गुड़गांव की दूसरी आंटी है वो भागी भागी मेरे हस्बैंड के पास आई अनिल अंकल के पास और बोली कि ये जुतिया ये क्यों लाए हो आप क्यों रखी है यहाँ पे तो अनिल ने बोला अच्छा ऐसे ऐसे मीरा को दर्श आ, मेरे बेटे को हुए थे तो अब न्यूयॉर्क ले जाएंगे कहती आपको पता है जाप के टाइम गुरुजी ने ये जुतियां डाली हैं और यहाँ मंदिर में घूम रहे थे And we said what? कहते हाँ तो मुझे मंदिर से ही फोन आ गया आ, मेरे अंकल का तो मैंने गुरुजी से उस टाइम मेरी तो आंखों से आंसू गिरे इसलिए खुशी के हो मैंने गुरुजी से माफी मांगी मैंने कहा आज फिर गुरुजी आपको मुझे प्रूफ करने के लिए कि मैं पाइय आपको किसी को दर्शन देने पड़े बिकॉज ही हैड टू टू कम डाउन वेयर है क्योंकि मैंने बोला था मैं गुरु जी ने पाई हुई जुती रखांगी मैं झूठ नहीं बोलना ना हम छोटी छोटी बातों की जिद कर जाते हैं उस दिन के बाद से मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी ना जुत्ती ना चप्पल ना कुछ मन सिर्फ तोड़े चैरन चाहते हैं तो तुसी चाहते हो बस इसी तरह मटेरियलिज्म से दूर करते गए गुरुजी संगत से जुड़वाते गए और सत्संग यहाँ पे स्टार्ट हो गए मेरा आना जाना इंडिया से चलता रहा और अब हम पिछले छः सात साल से टोटली लॉन्ग आइलैंड में है बहुत कुछ हुआ और अब तो घर-घर में सत्संग हो रहा है हाँ जब मैं क्वेश्चन बहुत करती थी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भिजवाया था और वो मैं डेफिनेटली सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं बोलती थी कि मेरे बच्चे इतने छोटे हैं तो मैं क्यों आऊं गुरुजी के मंदिर या गुरुजी के पास या सत्संग में तो मुझे मैसेज आया कि गुरुजी कह रहे हैं मेरे पांच मनदे रहन तो वो मंदिर पार करके ही तुलसी अपना जीवन सफल कर सकते हो पहला मंदिर तन मंदिर मीन्स अपने तन का खुद ध्यान रखो अब मैं इंसुलिन लेती हूँ मैं आ, मेरे को जो जो डॉक्टर ने चीजें बोली है मैं वो करती हूँ तो अपने तन का खुद ध्यान करो सेकंड मन मंदिर अपने मन को साफ रखो लॉर्ड ऑफ थिंग्स विल संगत, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो उसकी वजह से डिरेल मत हो क्योंकि आपके कर्मास अलग है गुरु जी उसके कर्मास भी देख रहे हैं तीसरा कमरा मंदिर मीन्स जो आपका एक स्पाउस के साथ रिलेशन है घर में तो लड़कर लड़के जा रहे हैं आप सत्संग में तो वो सत्संग सफल नहीं है अपने हस्बैंड अपने वाइफ अपने स्पाउस का ध्यान रखो घर मंदिर घर में अगर आपके पेट्स भी हैं उसका ध्यान रखिए और फिर मेरा मंदिर पंजवा मंदिर मेरे को लाना मेरे लिए तो वो मंदिर है जहां पर सत्संग हो रहा है वही सबसे बड़ा धाम है तो तन मंदिर मन मंदिर कमरा मंदिर घर मंदिर थे फिर पांचवा मेरा मंदिर गुरुजी कहते सीगे मैं एक पुष्टी मैं सात पुरुषानू ब्लेस करता सेवन एंड ही यूज्ड टू से आई इम्पॉसिबल कोई शब्द नहीं आंदा इम्पॉसिबल दी बजाय आई एम पॉसिबल होता अगर आप इम्पॉसिबल को तोड़े तो इट्स आई एम पॉसिबल और वाक्य में इतनी रोलर कोस्टर राइड मेरी जिंदगी की रही है और बट गुरु जी ने हर चीज पॉसिबल करी है यू यूट बिलीव टू थाउजेंड एट में मैंने जीके जाना था जब मैं इंडिया में रहती थी फॉर सम शॉपिंग एंड इट ऑल और मुझे इतनी जोर से अटैक हुआ स्पॉन्डलाइटिस का कि मैं ग्रेटर क्लास जाने की बजाय हॉस्पिटलाइज हो गई आई वेंट विद माई ड्राइवर माई अंकल वॉज बिजी एंड इतना मेरे को पेन हुआ यू कैन इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द पेन और शाम को जब मैंने टीवी खोला तो पता चला कि जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वही एग्जैक्ट दुकान पे मैंने जाना था और मेरे को फिर भी ध्यान में नहीं आया कि गुरुजी ने शायद ये दर्द मुझे दिया है दूसरे तीसरे दिन अह हमने मंदिर जाना था बड़े मंदिर हम गए और आते वक्त लंगर खाने के बाद हमारी कार में कैलाश खेड़ का गाना बजने लग गया जबकि हम हमेशा उन दिनों में सीडी आजकल तो हम पेन ड्राइव वगैरह में होते हैं। लेकिन उस टाइम सीडीज लगाते थे और सीडी uh, uh, लगाते हैं लेकिन उस दिन रेडियो बज पड़ा और उसमें कैलाश खेड़ का गाना आया कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा और उसमें एक लाइन हमारी कार में एक् होने लग गई एंड इट सेड अल्लाह के बंदे हंस दे दर्द भी तेरे काम आएगा

ना उस दिन जीके जा रहा दोनों हो हो, हो, जीके नहीं गई वो बच गई मैंने खड़े होके बोलिया अंकल दो नहीं तीन तो बोलना क्योंकि मैंने भी जाना था उस दिन तो हम हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है वो हमसे पहले हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े है लेकिन हाँ ये है कि अः कहते हैं ना कि आ, गुरु जी कहते थे कि पहले दो कदम बताओ फिर मैं सौ कदम तेजगा तो वो हमारा एक ट्रूथफुल स्टेप एक एक होना गुरु जी की तरफ बहुत बहुत जरूरी है और फिर आप देखिए फाइव सेंस ऑर्गन ही इज गोइंग टू एलिमिनेट यू नो ऑल द नेगेटिविटी क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है गु का अर्थ होता है डार्कनेस uh, uh, और रू का अर्थ होता है मीनिंग uh, होता है टू डिस्पेल द डार्कनेस और देखिए आपके जो भी डार्कनेस है लाइफ में हेल्थ इश्यूज स्पाउस प्रॉब्लम मटेरियलिज्म या कुछ भी अनसीन uh, कंटेंजेंसी जो आने वाली है वो अपने आप अगर आएगी भी तो जैसे गुरुजी कहते थे मैं पहाड़ नो राई बना दूंगा लेकिन हमसे वो भी कई बार नहीं झेली जाती और अगर हम उसको पार भी कर देते हैं तो उसके बाद हम फिर वही इंसानी यू you नो know, चीजों में आ जाते हैं और हम यू नो गुरु एक अंकल ने मुझे जब हम सत्संग में जाते थे शुरू शुरू में तो बोलते थे कि गुरु का भक्त एंजा होना चाहता है कि दूर तो लगे कि ए बंदा बखरा है यू नो ए गुरु का भक्त है कहते उतो की तोड़ी पहचान हुई क्योंकि उन दिनों में हम सीख रहे थे सत्संग करना और हमें हमें कोई बोलता था सत्संग करो ओ, ब्लैंक You know, कि क्या सत्संग करे तो कहते गुरु का दिखे दुनिया चीजों में जैसे अः uh, कई बार uh, हम पढ़ जाते हैं uh, लेकिन इंसानी नेचर है सब एक जैसे एक सम्मान नहीं होते हैं आ, बस मैंने तो यही सीखा है कहते हैं ना कि तेरी रहमतों में कमी नहीं मेरी एहतियात में ढील है कई बार हम अपनी एहतियात में ढील कर देते हैं गुरु जी की रहमतों में कभी कमी नहीं आज कोविड टाइम है देख लीजिए मैंने मतलब कि कितनी चीजें देख ली हैं यहाँ पर लेकिन सबको गुरु जी ठीक ठाक रख रहे हैं और इस समय तो बहुत ज्यादा गुरु जी की जरूरत है Uh, कहते थे कि अपनी एबीसी ठीक रखो एबीसी मतलब नेवर 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 अब्यूज अ अ अ पर्सन 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 ब्लेम एक्यूज यू नो अपना ठीक रखो रिसीव द मैसेजेस इन द राइट वे जरूरी नहीं है हर मैसेज आपके लिए है जरूरी नहीं है कि हर बंदे को आपने मैसेज देना है मैं तो देती ही नहीं किसी को अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है हम इंसानी वो डाइल्यूट कर देते हैं अपनी कई बार Uh, अपने मोटिव्स भी हो जाते हैं बीच में एंड नो इफ्स एंड बट्स हेल्प एवरीवन नो सुपरस्टिशंस अटैच्ड हियर मुझे जी तोड़ के लोगों ने बोल दिया वो जल बना लो मैं पेंडेंट डाल के वो ये कर लो वो आई हैव नेवर डन दैट इट्स ओनली गुरुजी मी दो फूल दो दिए जो वो आदेश देते हैं हर सांस उसकी उनकी दी हुई है और चल ही रही है ठीक ही कर रही होंगी <laughs> नहीं तो नहीं <laughs> गुरु जी जानते हैं और गुरु जी सप्पे हैं मेहर हाथ पकड़ के चलाते हैं पीस ऑफ माइंड एंड ब्लिस अराउंड यू वेन यू हैव बोथ दीज दैट मींस यू आर विद गुरु जी गुरु जी इज ऑलवेज विद यू बट वेन दीस टू थिंक एंटर इन योर बॉडी वेन यू हैव पीस ऑफ माइंड एंड यू फील द ब्लिस अराउंड हिम दैट मीन्स यू आर वर्किंग along with Guruji and you are working according to his wish पहली बात, जब आप में आते हैं तो आपको शब्द सुनाई देते गुरु जी कहते थे मैं तीन तरह करता पहला शब्द तो मैसेज आंदा है दूजा लंगर खाने बॉडी के अंटर इट एंटर्स एवरी जिसको बोलते ना हर कण आपके बॉडी में जाके जो खा खा के मैं ठीक हुई हूं और फिर तीसरा सत्संग शब्द से मैसेज आती है लंगर रूहानी ताकत आपके अंदर जाती है सत्संग करने वाले का और सुनने वाले दोनों का कल्याण राइट और लेके क्या जाए लेके जाओ गुरु के चरणों को आप यहां से फूल लेके जाते हो आप यहाँ से लंगर लेके एवरी थिंग हेल्प आई डू अंडरस्टैंड लेकिन फूल चले गए लंगर चले गया, सब कुछ चले गया आपकी फ्रेंड आपके घर आ गई अगर गुरुचरण आपके घर नहीं आए तो उस सत्संग में उस जगह जाने का वो इतना मुझे लगता है कि आ, आ, फायदा नहीं था फोटोए सब मिल जाती हैं आजकल इंटरनेट पे मतलब ये सब वही पदार्थ हैं दीज आर ऑल डोंट अटैच योर सेल्फ टू मेटेरियलिज्म पीपल में बी लिविंग इन फाइव मिलियन डॉलर हाउस पीपल मे बी लिविंग इन जस्ट फिफ्टी थाउजेंड डॉलर कॉन्डो इट डाणा है जहाँ गुरु जी बुलाएंगे मैं झुग्गी से लेके महलो तक गई हुई हूँ इंडिया में झुग्गियों तक गई हुई हूँ क्योंकि मेरा गुरु मुझे वहां आदेश देता था जाने के लिए कई चीजें हैं जो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते बस जाते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं और सिर्फ शुक्राना करके बाहर निकलते हैं कि गुरु जी जहाँ बिठाया है जितने भी प्रॉब्लम्स के बाद बिठाया है शुक्राना शुक्राना क्योंकि हम है ही ब्लेस्ड, ब्लेस्ड वी ऑल आर एक्सट्रीमली तो टू बी अंडर हिस um, मैं तो सारी रात बोलती रहूंगी एंड यू नो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर एवरीबडी बट इट्स लाइक इट्स नॉन स्टॉप एक्सपीरियंस वन एंड फील द अराउंड यू आप आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे और वो कहते हैं ना मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है करते हैं आप गुरुजी बस मेरा नाम हो रहा है गुरुजी ने बस मेरा नाम करवा दिया कि जो हर आंटी के घर से अमेरिका के सत्संग स्टार्ट हुए आज मुझे बहुत कम लोग जानते हैं बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई जाने ना जाने मेरा काम मेरी मेरी चीज वही सफल हो गई कि मेरे गुरु का नाम आज पूरे अमेरिका पूरे वर्ल्ड में है और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जो काम गुरु जी ने मुझसे स्टार्ट करवाया स्टार्ट नहीं कहना चाहिए स्टार्ट पहले हो चुका था लेकिन एक नया फेज एक 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 अपलिफ्टमेंट होती है ना जैसे रीमॉडलिंग ऑफ द हाउस होता है एक हम अपने कपड़े भी रिसाइकल करते हैं हर चीज करते हैं तो वो एक नया फेज जो स्टार्ट करा क्योंकि गुरुजी तो किसी को भी वर्ल्ड में उठा सकते थे इस चीज के लिए तो ये मैं मेरा मेरा भाग्य है मेरे अंकल का मेरे बच्चों का भाग्य कि हमने आज भी जो दस साल पहले आ, कुछ इंडिया के लोग कभी कभी जैसे यहाँ विजिट करते थे आते थे तो याद करते हैं कि हम इतने खुश होते थे कि मेरा तेरे छोटे छोटे बच्चे लोगों के झूठे बर्तन उठा रहे हैं और कभी पानी गिर जाता है कभी चाय गिर जाती है तो वो क्लीन कर रहे तो दस बारह साल के बच्चे कुछ भी नहीं करते लेकिन मैंने कभी इनको फोर्स नहीं करा दे और आज उन्ही को फल मिल रहा है और आगे भी मिलेगा You know, um, गुरु जी कोई कमी नहीं रखेंगे किसी चीज की uh, you know, सबके साथ रहे हमें फैमिली ओरियंटेड होना बहुत जरूरी है अलोंग विद स्पिरिचुअल जर्नी नहीं तो नहीं हम अपनी फैमिली को छोड़ के संगत के पीछे भागे या वो वो कोई फायदा नहीं है तो एंड में आई थिंक uh, मैं यही कहूंगी कि हम सब गुरु जी का साकार रूप तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं पर इस निराकार रूप से भी हमारी हर जरूरत वो पूरी करते हैं थर्टी फर्स्ट मे को जब उन्होंने चोला त्यागा था तो सुबह के टाइम फाइव ओ क्लॉक माई हजबेंड हम तब जैसे इंडिया में ही थे मैंने बताया तो उठे Uh, de de, uh, गुरु जी क्योंकि आस्ते आस्ते खबर दी गई कि uh, गुरु जी की तबियत खराब है एकदम क्योंकि आगे तो पेशेंट थे हम तो uh, प्रे करो ये करो तो दैट टाइम ही माई अंकल टोल्ड मी की मीरा मैंने तेरे को पांच बजे उठा के पानी लिया था लेकिन गुरु जी इज नो मोर मैंने कहा वट आर यू टॉकिंग गुरु जी इज नो मोर आर यू आर यू गुड बिकॉज हमने सोचा था कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स बड़े बड़े लोग आते थे अपने ग्रैंड किड्स को गुरु जी की चरणों में डालते थे तो हम भी एक टाइम पे ऐसे करेंगे या अपने फ्रेंड्स रेलेटिव ऐसे लाएंगे एंड देखो हमारे गुरु जी एंड uh, ये तो तो एक दो घंटे में खबर आ गई कहते लुक दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू So, जाने से फिजिकल चोला छोड़ने से पहले भी वो मेरे को मेरी फैमिली को ब्लेस करके गए ये है गुरु का प्यार इसमें हम कोई महान नहीं है उनो, उनकी महानता है यू नो बस आखिर में यही कहूंगी कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना